हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर ये कार्य करता है, उन्हीं की तरफ से बहुत ही तगड़ी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। देखिए बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने नहीं रखा है। और अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगा, सैलरी बहुत ही तगड़ा आपको देखने को मिल जाता है। तो डायरेक्टली अगर बात की जाए कि यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा है और पोजिशन क्या रहेगा उसके बारे में, तो यहाँ पर जो आपका पोजिशन देखने को मिल जाता है वो आपका यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी का पोजिशन आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखा है आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। लगभग सारी ब्रांचेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इवन आपका जॉब लोकेशन यहाँ पे क्या रहेगा और आपका CTC क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट हमने रखा है वो आपका रहेगा यहाँ पे 1100 प्लस आपको लाइक करवा देने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपने यहाँ पे कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा BBTech कर रखा है, कौन से ट्रेड के अंदर IT कर रखा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, एंड अभी आप कौन सी लोकेशन के अंदर जॉब को सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड भी करवाऊंगा जो आपने मुझको कमेंट बॉक्स में बताया है। और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, जाके इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको प्रीमियम टाइप की जॉब का अपडेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। कहीं से कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना, बस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। सीट यहाँ पे आपको लिमिटेड देखने को मिलेगा और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हम बात करेंगे ओनली फॉर इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, दामोदर घाटी निगम की तरफ से, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर जारी कर दिया, नोटिफिकेशन का डेट आप देख सकते हैं 26 जुलाई 2023 का ये नोटिफिकेशन आपका रहेगा। एंड यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोजिशन आपको देखने को मिलेगा और ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से एंड बोकारो पावर सप्लाई कंपनी की तरफ से, जो कि बोकारो स्टील प्लांट है उसकी तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए जो कि एक जॉइंट वेंचर आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने सारी चीज़ें बता रखी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का और दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर यहाँ पर इन्होंने जारी किया है, बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, इसकी तरफ से वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैकेनिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनसे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में यहाँ पर इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है, इनसे रिलेवेंट ब्रांच भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पे परमानेंट जॉब रहेगा, सरकारी नौकरी रहेगी। अपर एज लिमिट के बारे में बात करें, 28 साल यहाँ पे आपका एज लिमिट काउंट होने वाला है, 28 ईयर आपका यहाँ पे एज लिमिट काउंट होगा, जो कि रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको नो डाउट आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट को आपको 3 साल का, अगर आप SST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। PWD कैंडिडेट है तो 10 साल का, 15 साल का, 13 साल का कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो 45 ईयर तक का देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा वो आपका गेट 2022 के स्कोर कार्ड के बेस पर सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा।
इसके अंदर गेट 2022 वाले, जिन्होंने गेट 2022 दिया है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनका क्वालिफाई हुआ है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। गेट 2023 वाले भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे और गेट 2021 वाले भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। बस ओनली फॉर गेट 2022 वाले कैंडिडेट को ही प्रायोरिटी दी गई है। अगर आपका निकला है गेट 2022 तो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। डायरेक्टली यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल है। पोजिशन आपका रहेगा आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, जो कि मैंने आपको बताया, और मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल एलिजिबल है, प्रोडक्शन एलिजिबल है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एलिजिबल है, थर्मल एलिजिबल है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन एलिजिबल है, पावर इंजीनियरिंग एलिजिबल है। तो ये सारी ब्रांचेज यहाँ पे मैकेनिकल में आ जाती है। और गेट के जो पेपर कोड है उसका यहाँ पे रहेगा ME, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, ये आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज एलिजिबल है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कम्युनिकेशन एलिजिबल है, कंट्रोल एलिजिबल है, एंड यहाँ पे आपका पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज एलिजिबल है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, पावर इंजीनियरिंग एलिजिबल है, ये सारी ब्रांच एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल के अंदर। डबल इसका यहाँ पे गेट का पेपर कोड रहेगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, एंड यहाँ पे नॉर्मल इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एलिजिबल है। तो ये सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। पेपर कोड के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। 65% क्राइटेरिया यहाँ पे आपका रहेगा जो कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं या फिर EWS कैंडिडेट हैं, उनके 65% का क्राइटेरिया BTEC के अंदर कंप्लीट होना जरूरी है। और जो कैंडिडेट यहाँ पे आपके लिए SST कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, उनके 55% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए BTEC के अंदर, वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज अगर आपका कम है आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसी के साथ साथ वापस इन्होंने ब्रांचेज को मेंशन कर दिया, तो चेकआउट कर लीजिएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे बता रखा है। CTC के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका लगभग 13.5 लाख रुपए के अप्रॉक्स आपका CTC देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स आपका एनुअल CTC ये रहने वाला है। इसके अंदर आपका असिस्टेंट मैनेजर का E1 ग्रेड का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा 1 साल की ट्रेनिंग के बाद। 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर तो आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन पे काम करेंगे। जैसे 1 साल खत्म होगा उसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर का पोजीशन रहेगा, वहाँ पे सैलरी रहेगा 60,000 रुपये से लेके 1,80,000 रुपये, 3% आपका सैलरी हाइक आपका रहेगा, जो कि पर ईयर आपको देखने को मिल जाता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका रहेगा झारखंड का, क्योंकि बोकारो स्टील सिटी के अंदर ही आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। बेसिक पे के बारे में बता रखा है, बेसिक पे रहेगा मतलब कि जो आपका स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, वो 50,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे कंपनी के मेडिकल स्टैंडर्ड वाइज यहाँ पे चेक होगा, हाइट वेट ये होना चाहिए, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड को। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। मैंने आपको बताया गेट 2022 के स्कोर कार्ड के बेस पे सिलेक्शन रहेगा, गेट 2021 का भी नहीं चलेगा, गेट 2023 का भी यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, बस गेट 2022 वालों को ही प्रायोरिटी यहाँ पे दी है। बाकी यहाँ पे 300 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगा। अब ये 300 रुपये किन को पे करना है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, अगर आप यहाँ पे EWS कैंडिडेट हैं, तो आपको भाई 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप SST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, एक सर्विसमैन हैं, या फिर आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, तो भाई आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म रहेगा, फ्री में इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगा वो जो पेमेंट करने का रहेगा 17 अगस्त 2023, इसका लास्ट डेट रहेगा पेमेंट करने का। ये लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो वापस से रिफंड नहीं होगा, तो ध्यानपूर्वक ही पेमेंट करिएगा। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से बता रखी है। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो कोई कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट बताई गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन का। लास्ट डेट रहेगी यहाँ पे आपकी 17 तारीख, ठीक है, 17 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल आपको लगभग 22 दिन का समय मिला है। और अगर आप में से किसी को अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।